मीरा भायंदर, मुंबई से सटे ठाणे संसदीय क्षेत्र की विधानसभा सीट। इस सीट पर शरद पवार की पार्टी एनसीपी का कब्जा है। एनसीपी के गिलबर्ट मेंडोसा यहां के विधायक हैं। हालांकि ठाणे संसदीय क्षेत्र शिवसेना के पास है। शिवसेना के राजन विचारे ठाणे के सांसद हैं। मीरा भायंदर विधानसभा सीट में मुंबई से सटे दो छोटे कस्बे मीरा रोड और भायंदर के इलाके शामिल हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में इस विधानसभा सीट पर शिवसेना को 96,046 वोट मिले थे, जबकि एनसीपी को 53,698 वोट। यानी यहां शिवसेना एनसीपी गठबंधनों के बीच सीधी टक्कर है। पानी की किल्लत, खराब सड़कें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दिक्कत और अवैध निर्माण यहां के चुनावी मुद्दे हैं। मीरा भायंदर में मराठी भाषियों के अलावा बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय और गुजराती मतदाता भी रहते हैं। इसके अलावा यहां अल्पसंख्यक वोटरों की भी अच्छी खासी संख्या है, जो किसी उम्मीदवार की जीत और हार तय करते हैं। नमस्कार। नुक्कड़ बहस का सिलसिला आज पहुंचा है मुंबई के पास मीरा भायंदर विधानसभा सीट पर, और यहां पर हमारे साथ इस बहस में शामिल होने के लिए मौजूद हैं यहाँ के MLC मुजफ्फर हुसैन जी। इसके अलावा BJP से हमारे साथ में नरेंद्र मेहता हैं, NCP से हमारे साथ करण पांडे हैं, और MNS से हमारे साथ मौजूद हैं प्रसाद सुर्वे। हम इन सभी से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम विपक्षी पार्टी BJP से शुरुआत करते हैं। आप बताइए कि यहाँ के विधायक बतौर MLA अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा पाए या नहीं निभा पाए? नहीं, जाहिर सी बात है कि विधायक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए, और आज वही एक कारण है कि वो पब्लिक के बीच में भी नहीं जा रहे और आपके सामने भी यहाँ पे उपस्थित नहीं है। एकमात्र सिंगल काम नहीं हुआ। अगर हम 5 साल के अगर विधानसभा के अंदर भी हम देखें तो उन्होंने, मुझे नहीं लगता है कि ए भी बोला है या मीरा भाईंदर का एक प्रश्न भी वहाँ पर रखा है, या मीरा भाईंदर के लिए 1 रुपये की राशि भी उन्होंने लाई है, या कोई भी कार्य उन्होंने उनके माध्यम से यहाँ पर किया है। तो जनता भी जानती है और वो भी भली भांति जानते हैं कि उन्होंने एक भी काम इस शहर के अंदर विकास के लिए उनके माध्यम से नहीं हुआ है। हम दूसरी विपक्षी पार्टी MNS से इस बारे में जानना चाहेंगे। विधायक कार्य तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। अभी सब तो अपोजिशन में भी बैठे हैं, सब है, लेकिन ये सब मिलीजुली सरकार है। पब्लिक की किससे किसको कुछ लेन देन नहीं है, और हॉस्पिटल बना के रखा है। ऐसा सोचते हैं कि अपन हॉस्पिटल कभी बनेगा, अगर हम चला सकते तो हॉस्पिटल बनाओ, बिल्डिंग बनाई, अभी बोलते हॉस्पिटल चला नहीं पाएगी मनपा। ये ऐसी हालात है, रस्ते के हाल तो आप देख रहे हैं। मुजफ्फर जी, आपने दोनों विपक्षी पार्टियों की बात सुनी। इस सीट पर आपका गठबंधन है, यहाँ पर आप इनकम्बेंट हैं, क्या जवाब है आपका? विरोधी पक्ष का काम होता है विरोध करना, और जब भी जो पार्टी सत्ता में रहती है तो उसके खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी डेफिनेटली होता है। अगर ये कोई कहे कि 5 साल के अंदर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी का चेहरा मोहरा बदल दिया जा सकता है, तो मैं कहूँगा किसी के पास अलाउद्दीन का चिराग नहीं है कि रात को घसा और 5 साल में काम पूरा हो। इस शहर के विकास के लिए 950 करोड़ रुपये जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन प्लान के अंतर्गत लाया गया, जिसकी वजह से आज अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम इस शहर में 70% पूरा हो गया है। सबसे तेजी से बढ़ा हुआ कोई अगर शहर पूरे हिंदुस्तान में है तो वो ये मीरा भाईंदर है, जहाँ पे 232% से भी ज्यादा, ये 2001 से 2011 के अंदर 232%, और 1990 से 2001 के अंदर 186% के प्रमाण से आबादी बढ़ी। मगर उसके बावजूद यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आता है, उसके बावजूद यहाँ पानी नजर आता है, उसके बावजूद यहाँ पे गार्डन, प्लेग्राउंड, तमाम चीजें नजर आती है। अगर ये कोई कहे कि 5 साल में नीधि नहीं आई, तो मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि 10 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने 10 करोड़ रुपए हर आमदार को दिया, और उसी के चलते हुए विधानसभा के 145 के आमदार के भी 10 करोड़ रुपए इस शहर में आए, और भाईंदर पश्चिम में कंक्रीट के रास्ते बनाने की योजना तैयार की गई है, और मेरे ख्याल से उसका काम भी चल रहा है। मेहता जी, आप इनके जवाब से संतुष्ट हैं? 101% में, क्योंकि साहब ने जो मुजफ्फर हुसैन जी ने कहा कि 950 करोड़ आए, तो उनकी जानकारी के लिए बताओ ये 2007 में आए, इस जो 2009 के चुनाव उसके बाद में आए, वो भी केंद्र सरकार के पैसे, स्टेट गवर्नमेंट का मात्र है, और केंद्र सरकार ने जो 400 करोड़ का प्रोजेक्ट था, आज 900 करोड़ पे वो चला गया। उनकी जो ढिलाई किस काम चल रहा था, आज डबल कॉस्ट हो गई है, जो जनता को उसको भार पड़ने वाला है। आज 15 साल से भले आज यहाँ विधायक गिलबर्ट मंडल था, उसके पहले भी NCP के थे, 15 साल से विधायक है, हमें पानी पीने को जनता शहर की बोल दे के मिले। आप जिस सड़क से आए वो जाके देखिए, आधे से ज्यादा खड्डे और एक सीमेंट
रोड मुझे बता दे, एक सीमेंट रोड 10 करोड़ रुपए दिए गए, यहाँ का आमदार आज भी ठेकेदार ढूंढ रहा है कि कौन से ठेकेदार को काम देवे, वो आज भी ठेकेदार ढूंढ रहा है, कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ रहा है, एक रोड मेरे को दिखा दे सीमेंट कॉन्ट्रैक्टर। यहाँ पर विधायक एनसीपी से जवाब लेते हैं। मैं मेहता जी की बात को एक बात बोलना चाहूंगा कि 15 साल पहले मीरा भाईंदर में मैं आया था, 15 साल पहले काशी मीरा से मुझे भाईंदर वेस्ट में आने के लिए 35 मिनट लगे थे और आज आप आए होंगे तो 3.5 मिनट लगाए, तो वो कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन का ही नतीजा है। लोग 15 साल पहले मीरा भाईंदर में अगर कोई आता था तो कोई अगर फ्लैट लेने के लिए जा रहा है तो सबसे पहले उसका सवाल होता था कि बिल्डिंग में पानी है, तो आज की डेट में ये सवाल नहीं होता पानी है, क्योंकि ऑलरेडी बिगर पानी के कनेक्शन की बिल्डिंग पास नहीं होती है। पानी की समस्या अभी भी बनी हुई है लगातार, पानी की समस्या, शहर बढ़ गया, लोग बढ़ गए, पहले यहाँ पे अगर 500 बिल्डिंग थी तो आज 5000 बिल्डिंग बन गई है इनका। और रस्ते के खड्डे की बात कर रहे हैं, स्टैंडिंग में सभापति तो बीजेपी का है और रस्ते बना दिए कॉरपोरेशन, तो कौन से ठेकेदारों को ये ठेका दे रहे हैं, कौन से ठेकेदारों से कमीशन ले रहे हैं, इनको ज्यादा मालूम है। इनका कहना है आप अपनी जिम्मेदारी दूसरे पे डाल दें। अच्छा प्रश्न इनका है, अनिल सावंत जी अभी नगर सेवक नहीं इसलिए शायद उनकी जानकारी थोड़ी कम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा है कि सारे विषय जो होते हैं जनरल बॉडी में जाती है, सत्ता कांग्रेस और एनसीपी की है, और यहाँ पे तो सिर्फ ये जो निविदा निकाली जाती है उनके माध्यम से खाली हम जो एक एक जब सबसे ज़्यादा जो सबसे लोवेस्ट होता है उन्हीं को दिया जाता है, और जहाँ तक महासभा हमारी है तो हमने उसके ऊपर अंकुश लगा के रखा है, भ्रष्टाचार के ऊपर कंट्रोल करके रखा है। ये मीरा भाईंदर रास्ता जो बना है उस समय गिल्बर्ट मेंडोंसा तड़ी पार थे इसलिए रास्ता बना, तो शायद वो भी नहीं बनता। गिल्बर्ट मेंडोंसा जब तड़ी पार थे वो यहाँ पर नहीं थे तभी यहाँ का डेवलपमेंट हो पाया, ऐसा बीजेपी का आरोप है। पहले ये पता नगर अध्यक्ष प्रफुल्ल पाटिल जी थे, उसके बाद में उस समय की बात से आज हम जो इस बात कर रहे हैं ये मीरा भाईंदर 145 कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहे हैं। एमएलसी यहाँ मैं 35 साल से रहता हूँ, 23 साल नगर सेवक रहा, यहाँ पर जितना काम मुजफ्फर हुसैन की निधि से हुआ या गिल्बर्ट मेंडोंसा की निधि से हुआ उतना आज तक किसी भी विधायक ने काम नहीं किया। यहाँ बोलेंगे पूरे 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 परिसर का आप देखेंगे 37 गार्डन है और सबसे ज्यादा वृक्ष जो है इसी परिसर में लगे गए। क्या इस बार इन विधानसभा चुनाव में एमएनएस का खाता यहां से खुल पाएगा? पिछली बार तो यहां से आपका खाता नहीं खुल पाया था, जो लोकसभा के चुनाव थे उसके भी नतीजे आपके लिए ज्यादा होपफुल नहीं रहे। नहीं, ऐसा है कि ये शहर की जनता ने एमएनएस को स्वीकारा हुआ है, लास्ट विधानसभा चुनाव में भी 46,000 वोट ये शहर से यहाँ के मीरा भाईंदर वासियों ने मनसे को दिए। देश में अगर मोदी है तो महाराष्ट्र में राज ठाकरे नाम की सरकार आएगी, एक हमारी हमारी ब्लू प्रिंट आने दो, ये जो अभी चिल्ला रहे ना उनको पता चल जाएगा कि राज साहब किस विषय में काम कर रहे हैं। हमारी ब्लू प्रिंट बाहर आने दो, खाली कागज पे आश्वासन देके नहीं होता है, हमारी जो ब्लू प्रिंट आएगी उसमें महाराष्ट्र की जनता देखेगी कि राज साहब ने किस विषय में अभ्यास किया है। तो आपने सुनी नुक्कड़ बहस मुंबई के पास मीरा भाईंदर विधानसभा सीट से, इस नुक्कड़ बहस में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और विधानसभा सीट पर नुक्कड़ बहस करते हुए। कैमरामैन अजीत कदम के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज।